आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दही बड़े की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी, ना इसको फ्राई करने की झंझट है ना कुछ, और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट सब बनकर तैयार हो जाते हैं। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। आप अगर डाइट कॉन्शियस हैं तो वही आप इसको बना के खा सकते हैं, क्योंकि इसमें तेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही अच्छे से ये बनके तैयार हुआ है। दही भल्ला बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 कप दाल ली है, जिसमें से हमने 1 कप उड़द की दाल ली है जो हमने बिना छिलके वाली दाल ली है, और 1 कप हमने मूंग की दाल ली है। दोनों को हमने 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से भिगा दिया था। उसके बाद 2-3 पानी से हमने इसको धुल के तब भिगाया था, और अब इसका हमने पानी हटा दिया है। हमने एक स्ट्रेनर की मदद से इसके पानी को बिल्कुल भी चुआ लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम भी ड्राई हो चुका है। अब हमें इसको ग्राइंडर जार में डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। अब इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, आप इसी तरह से इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह से हमें इसको ग्राइंडर जार में डाल देना है। इस तरह से डाल के हमें इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। इधर हमने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया। अब देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल ही फाइन पीस लिया है, पर हमने इसे पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। किसी स्पून वगैरह की मदद से आप इसको इस तरह से एक बाउल में निकाल लीजिए। इस तरह से हमने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छा है, कितना स्मूथ हमारा बैटर पीस के तैयार हुआ है। अब हम इसी जार में, हमने इसके जार को धोया नहीं, इसी जार में हमें अपनी ये मूंग की दाल को भी डाल देना है, और डाल के इसका भी इसी तरह से एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है हमें, और इसमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। इसी तरह से इसका भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमने मूंग की दाल को भी एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हमें इसको भी एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। हमें उसको इसी बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमने उड़द की दाल को निकाला था। इसी तरह से इसी में हम इसको भी निकाल लेंगे। मूंग की दाल को भी हमने इसी में निकाल लिया है। अब हमें दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हम दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किसी स्पैचुला की मदद से इन दोनों को बहुत अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। आप इसको एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मिक्स करिएगा। इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छे से देखिए मिक्स कर लिया है। अब हमें इसको हाथों की मदद से इस तरह से बहुत अच्छे से फेंट लेना है, जब तक हमारा बैटर बहुत अच्छे से फूल नहीं जाता है और इसका कलर एकदम वाइट नहीं हो जाता है। इसी तरह से आप इसको एक ही साइड फेंटिएगा, इसमें हवा भरती जाएगी और ये बहुत अच्छे से उड़ जाएगा। इस तरह से आप इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहिएगा। आप इसको फेंटते जाएंगे, इसका कलर खुद पे खुद चेंज हो जाएगा और बहुत ही मज़े के हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट दही भल्ले बनके तैयार होंगे। इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से आप इसको फेंट लीजिए। इधर हमने इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छे से फेंट लिया। आप देख सकते हैं हमारे बैटर का कलर एकदम चेंज हो चुका है। अब हमारा बैटर बहुत अच्छे से उड़ भी चुका है। अब इसके दही भल्ले बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। और इसको चेक करने के लिए हमने एक प्याली में पानी ले लिया है। आप इसमें थोड़ी सी इस तरह से दाल ले लीजिए और इसको इस तरह से डाल के देख लीजिए। इस तरह से इसमें डाल दीजिए। अगर ये उस तरह से ऊपर देख लीजिए तैर रही है, तो इसका मतलब हमारा बैटर बहुत अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। अगर हमारी दाल नहीं ऊपर तैर रही है, अगर नीचे बैठ जाती है, तो हमारा बैटर फूला नहीं है, तब इसको हमें और फेंटना है। इसको हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया, इसको इसलिए अब हम नहीं फेंटेंगे। अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले डाल देंगे, जिसमें हम नमक पहले डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, जितना आपकी दाल हो आप उस हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। और इसमें हम 1/2 टीस्पून इसमें हींग डाल देंगे। जैसे हमें हींग डाल दे रही है, यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्चें ली हैं जिसको हमने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। हमें इसको डाल देना है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें और मिर्ची भी काट सकते हैं। और इसमें हम कुछ धनिया के पत्ते डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा जीरा डाल देंगे, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। इस तरह से आप चलाते हुए इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सभी मसाले हमारे बहुत अच्छे से आपस में मिल जाएं। इधर हमने सभी मसालों को अच्छे से मिला लिया। आप देख सकते हैं हमारे बैटर में सभी मसाले बहुत अच्छे से मिल गए हैं। अब इसको हम साइड रख देंगे। इधर हमने यहाँ पे 3 प्याली ले ली है। आपके पास जो भी हो, आप जिसमें भी बनाना चाहें आप उसको ले सकते हैं। इस तरह से हमने छोटी छोटी सी यहाँ पे 3 प्याली ले ली है। हमें इसमें ब्रश की मदद से हमें इसमें बहुत अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर देना है। इस तरह से आप चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा दीजिए। देख सकते हैं इस तरह से आप हाथों की मदद से चाहें जो है, इस ब्रश की मदद से आप जैसे भी चाहें वैसे इस तरह से आप सभी में ऑयल को इस तरह से लगा दीजिए।
इससे हमारा बैटर चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और बहुत आसानी से निकल भी जाएंगे। इस तरह से हमें सभी प्याली को इस तरह से हमें ग्रीस कर लेना है। इस तरह से हमने सभी प्याली में ऑयल को लगा दिया है। अब हम इसको साइड कर देते हैं। यहाँ पे हमने हाफ टी स्पून हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। हमें इसको इस तरह से डाल देना है। डाल के इसको अच्छे से जब आप बैटर को बनाने लगे तभी इसमें आप सोडा मिलाइएगा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसी जगह पे इनो भी मिला सकते हैं। आप इनो का एक पैकेट ले लीजिए, आप मिला दीजिए। इससे बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे बन के तैयार होंगे। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। हमने अपने बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा अपना बैटर इस तरह से डाल देंगे। आप बहुत ज़्यादा बैटर को नहीं डालिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा कटोरी को भरिएगा, क्योंकि हमारा जब बैटर फूलेगा तो वो ऊपर तक के आ जाएगा। इसलिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा ही इस तरह से सभी कटोरी में अपने सेट कर देना है। इस तरह से आप बैटर को डाल दीजिए स्पैचुला की मदद से। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी इस तरह से आप इसमें डाल सकती हैं। इस तरह से हमें डाल देना है। देख लीजिए, हमने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाला है। इस तरह से हमने अपने बैटर को सबको इसमें डाल दिया है। अब हमें इसको हाथों की मदद से हल्के से इस तरह से टैप टैप कर देना है, ताकि हमारा बैटर में जो हवा वगैरह हो वो जो है निकल जाए और हमारा बैटर अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से आप सभी को इस तरह से टैप कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। इधर हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। देखिए, हमारे पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया और इसमें भाप भी बनने लगी। अब इसके ऊपर हम एक स्ट्रेनर रख देंगे। आप चाहें तो इसको इडली मेकर में भी बना सकती हैं। अब इस तरह से हमें अपनी कटोरियों को इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसको हम ढक देंगे और ढक के हम इसको 15 मिनट तक के इसी तरह से हम इसको स्टीम कर लेंगे। जब तक हमारे बड़े बन रहे हैं तब तक हम दही की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने घर की फ्रेश दही ली है। आप जब भी बनाइएगा तो आप दही फ्रेश लीजिएगा। अगर दही आपकी खट्टी रहेगी तो आपके दही बल्ले अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून इसमें हम चीनी डाल देंगे। इस तरह से हमें डाल देना है। डाल के हमें मिक्सर की मदद से इसको अच्छे से फेंट लेना है। एकदम स्मूथ से हमें इसको बैटर तैयार कर लेना है। हमें इतना फिरना है कि हमारा स्मूथ हो जाए और हमारी चीनी वगैरह एकदम गुल जाए। 10 मिनट हो गए हमारे बल्लों को बनते हुए। चलिए देखते हैं इसका क्या हाल है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मेरे बड़े बन के तैयार हो चुके हैं। आप किसी नाइफ या टूथपिक की मदद से आप इसको इस तरह से करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्लीन हमारी टूथपिक निकली है। अगर इस तरह से हमारी टूथपिक क्लीन है तो इसका मतलब हमारे बल्ले बहुत अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सभी में इस तरह से हमारी टूथपिक एकदम क्लीन निकल रही है। कि पैसा अगर नहीं है तो आप चाहें तो किसी नाइफ की मदद से भी आप इसको चेक करके देख सकते हैं। अब इसमें से हम अपने बड़ों को निकाल लेंगे। सभी बड़ों को हमने निकाल लिया है। किसी नाइफ की मदद से आप इसको इस तरह से किनारे किनारे से इसको आप इस तरह से कर दीजिए। बहुत ही आसानी से हमारे बड़े निकल के तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे भल्ले निकल गए और कितने सॉफ्ट सॉफ्ट ये बन के तैयार हुए हैं। इसी तरह से हमें सभी को निकाल लेना है। इसी तरह से हम सभी बड़ों को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सभी बड़ों को इस तरह से हमने आसानी से निकाल लिया। इधर हमने एक प्लेट ले लिया है। अब हम अपने सही दही बड़ों को सर्व कर लेंगे। इस तरह से हमें सभी बड़ों को सर्व कर लेना है। इस तरह से हमने अपने तीनों बड़ों को इस तरह से लगा लिया है। इस तरह से हमने बड़ों को अपने सर्व कर लिया है। जो हमने दही को फेंट के रखा था इस तरह से हमें इसके ऊपर डाल देना है। इस तरह से हम अपनी दही को इस तरह से हम डाल देंगे। इस तरह से हमने अपने दही जो है डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी चटपटा सा बन के तैयार होता है हमारा चाट। इसके ऊपर हम थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर डाल देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक नमक डाल देंगे। इस तरह से हम डाल देंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर मीठी चटनी डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर बन के तैयार होगा। बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसकी चटनी की रेसिपी आप देख सकते हैं, हमने अपने चैनल पर डाल रखा है। इस तरह से हमें मीठी चटनी डाल देना है और इसी तरह से हम इसके ऊपर हरी चटनी डाल देंगे। इस तरह से हमें अपनी हरी चटनी भी डाल देना है। देख सकते हैं कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे दही बड़े बनके तैयार हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग फ्राई ज़रूर कीजिएगा। ना इसको फ्राई करने की झंझट है ना कुछ, और बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार भी हो जाते हैं। बहुत ही झटपट खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं।